नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए जनरल नॉलेज के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल 10 क्वेश्चंस होंगे जो आपके आने वाले डिफेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1915। तो दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें अमेरिका, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1915 में शामिल हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। तो दोस्तों, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसके दौरान अमेरिका ने किस शहर पे परमाणु बम गिराए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए नागासाकी, ऑप्शन बी हिरोशिमा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी होन्सु। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा दोनों पर ही परमाणु बम गिराए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ। तो ऑप्शन हैं आपके, प्रसा फ्रांस युद्ध, ऑप्शन बी है प्रसा इटली युद्ध, ऑप्शन सी है जर्मनी इटली युद्ध, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था प्रसा और फ्रांस के युद्ध के पश्चात। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्रसा फ्रांस युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया। निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी महापदमंद, और ऑप्शन सी अशोक, तथा ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी दोस्तों उदयन ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है, अगर उसके लिए आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था। ऑप्शन हैं आपके, धनानंद, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्मंद, एंड ऑप्शन डी है आपका उदयन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धनानंद। जी हाँ दोस्तों, धनानंद सिकंदर का समानार्थी मतलब समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन हैं आपके, ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, एंड ऑप्शन डी उपगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपगुप्त। जी हाँ दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो वो किस धर्मगुरु से प्रभावित होकर अपनाया था। तो उनका नाम था उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस,
एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हिंद यवन। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो ऑप्शन हैं आपके 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 825 ईस्वी, ऑप्शन सी 1025 ईस्वी एंड ऑप्शन डी होगा 1027 ईस्वी में। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 712 ईस्वी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक लिए नमस्कार।